थाना मझोला के ग्राम पंचायत मनोहरपुर में चुनावी रंजिश थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को एक बार फिर प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले दो कैंडिडेट आमने सामने आ गए और दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया गया। गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे शिकायतकर्ता दीनदयाल सिंह द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया कि प्रधान प्रेम सिंह सैनी और उनके पुत्रों द्वारा उनकी और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई। दीनदयाल सिंह का कहना था कि वे अपनी पत्नी को दवाई दिलाने मुरादाबाद के लिए घर से निकले थे। प्रधान प्रेम सिंह सैनी के घर के आगे से गुजरना उनके लिए कहर बन गया। पीड़ित द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रधान और प्रधान के पुत्रों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसकी पत्नी को भी बुरी तरह मारा पीटा गया। उनकी पत्नी पहले से ही बीमार है और इसलिए ठीक नहीं है। ऐसे में उनके साथ जो मारपीट की गई उससे उनकी पत्नी की हालत अब चिंताजनक बनी हुई है। वहीं प्रधान प्रेम सिंह सैनी का कहना है कि उनके घर पर मेहमान आए थे और घर के आगे मेहमानों की कार खड़ी थी, जिसको लेकर दीनदयाल आग बबूला हो गए और अपशब्द बोलने लगे, जिसका विरोध किया गया। हमने कोई मारपीट नहीं की। उनके द्वारा भी थाना मझोला पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी गई है। कुल मिलाकर ग्राम पंचायत का चुनाव संपन्न हो चुका है और चुनावी रंजिशें लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस तरह की रंजिशों में गांव में शांति भंग जरूर होती है और इसका खामियाजा भी ग्रामीणों को ही भुगतना पड़ रहा है। मझोला पुलिस का ढीला रवैया मनोहरपुर ग्राम पंचायत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि दोनों ही गुट एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इस ओर क्या कदम उठा पाएगा, ये भी एक सोचने का विषय है। मामला यह, मैं मनोहरपुर गाँव में रहता हूँ। मैं अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा था पट्टी कराने के लिए। मेरी वाइफ जल गई है, आप देख रहे हैं। तो उनकी पट्टी होती है हर तीसरे दिन, एक दिन छोड़ के। मैं आज जा रहा था गाड़ी लेकर के पट्टी कराने, तो जो हमारे मौजूदा प्रधान जी प्रेम सिंह सैनी जी, उनके मोड़े पे कार खड़ी थी उनके गेट पर। मैंने कहा गाड़ी हटा लीजिए किसकी है, तो गाड़ी हटाने के बजाय वो तीन बाप बेटे आ गए मेरे पास, प्रेम सिंह सैनी जी, उनका लड़का सत्येंद्र, लड़का विनीत। इन्होंने आके मेरे साथ बोले, तेरी हिम्मत कैसे इधर आने की, और तेरा रास्ता इधर से नहीं है, तू उधर उधर से जा। तुझे बोर्ड जाट बोले दिया, मैंने इधर था हार गया हूँ कोई बात नहीं। तो बोले तू उधर से जाएगा, तू इधर से नहीं निकल सकता हमारे मोड़े पर से, और तेरी हिम्मत कैसे। मुझे गाड़ी से खींचा खींच के मेरे साथ बदतमीजी करनी बहुत कोशिश की, बदतमीजी करी भी मेरे साथ, प्लस मेरे वाइफ से बदतमीजी करने की कोशिश की, और मेरी वाइफ से बोले बोले कि तू अभी तो जली हो तो हम तुझे जान से मार देंगे। हम दोनों थे गाड़ी में, तीसरा आदमी कोई नहीं था। अच्छा, आप कहाँ पहुँचे हो? हम ऐसे आपसे मिलने आए थे कप्तान साहब से, लेकिन वो इस समय मिले नहीं है। तो यहाँ से आश्वासन ही दिया गया, एक सज्जन ने फोन किया थाना मझोला, बोले आप अपने थाने जाइए, वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराइए। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट दर्ज उचित कार्रवाई की मांग की जाए। मेरी पत्नी की स्थिति बहुत खराब है, अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता बताइएगा। वैसे भी इतनी सारी परेशान है बहुत ज़्यादा, और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की गई है, मुझे बहुत गालियाँ दी गई हैं, मुझे मारा भी है। मामला ये था सर कि यहाँ पर कुछ पत्रकार लोग आए हुए थे, उन्होंने अपनी गाड़ी फोर व्हीलर खड़ी कर दी थी बाहर की तरफ। तो ये दीनदयाल नाम का लड़का और इसके साथ दो लोग और थे दारू पिए हुए, कार में आए और आकर जो है बैठक के बाहर गाली देने लगे, कि गंदी गंदी गालियाँ दे के कि किसने खड़ी कर रखी है कार, ये है वो है, पता नहीं कहाँ से ये लोग आए थे। तो इन्होंने, हमारे पापा ने उसको समझाया कि भाई गाली गलौज मत करो, ऐसे अपने घर जाओ और ऐसे गाड़ी को हटाने के लिए कह दो, हटा लेंगे गाड़ी। गाड़ी हटा ली तो वो तो फिर अपने घर गया, भाग कर गए, अपने भाइयों को बुला करके ले आया, डंडे ले गए, बेल्टे ले गए, हमारे पास वीडियो भी है उसकी, और जो है वो तो मारपिटाई करने पर उतारू हो गया। फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, मामला शांत हो गया। शिकायत आपकी तरफ से शिकायत दर्ज हो गई है? हाँ, हमारी तरफ से शिकायत दर्ज हो गई है थाने में।